हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू सेशन ऑफ़ द कंसेप्ट बिहाइंड द कन्वर्जेंस तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हम लोगों ने डिस्कस किया कि अप्रोच क्या होनी चाहिए कंसेप्ट क्या होने चाहिए आपके जब आप कन्वर्जेंस करते हो ऑर्निक केमिस्ट्री में उट द एलिफेटिकॉक अबाउट दस ऑफ वन एलिफेटिकलीफेटिकारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्या कन्वर्जेंस के पीछे भी कोई कंसेप्ट होता है कोई बोलेगा ऐसा मेरे पास एक बुक है उसमें दो सो कन्वर्जन गिवेन है और मैंने दो सो कन्वर्जन किए हुए हैं और आज हम क्या करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट बिहाइंड द कन्वर्जेंस किस किसके एरोमेटिक कंपाउंड के और इस एरोमेटिक कंपाउंड के जो कन्वर्जेंस हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो तो कौन कौन मौजूद है पहले जरा मैं बात कर लेता हूं उन लोगों से मोना नेगी डॉक्टर विकास यादव राइट हेलो गुड इवनिंग एवरीबडी तो जब बात होगी बात चलेगी आगे आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो और ज्यादा मजा आएगा इंट्रैक्शन धीरे धीरे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे कॉन्स्टेंट हो जाएगा आप लोगों का बढ़ना तब तो हम फिर बात करेंगे और ज्यादा कन्वर्जन के बारे में तो सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि अगर आप 500 सौ कन्वर्जन करते हो एरोमेटिक के ही अगर हम लोग बात करें हेलो आयुष हाउ जिग्ना हेलो जिग्ना जिगना यू धनुष आर यू हेलो तो पहले ना सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये सेशन हमने रखा क्यों है क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है पुराने स्टूडेंट्स भी हैं आप लोगों के बीच में और आई होप के मेरे जो पिछले दो सेशंस गए हैं आप लोगों ने ज्वाइन किए हैं आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर आई होप दैट के यू हैव लर्न समथिंग वेरी वेल फ्रॉम दो सेशंस राइट right. और जहां तक कंसेप्ट की बात आती है तो जब भी हम कन्वर्जेंस की बात आती है तो हमारे बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए तो बेसिक्स की जहां मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था अगर आप यह नहीं जानते ध्यान से सुनना मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूं बहुत बड़ा क्योंकि जो बुक्स होती हैं उसमें लिखा होता है कन्वर्ट दिस कंपाउंड ए टू कंपाउंड बी इन टू स्टेप्स और इन थ्री स्टेप्स लाइक ऐसे लिखा होता है लेकिन वो अच्छा उसका आंसर भी दिया होता है साथ में लेकिन वो ये नहीं बताता कि जो उसने आंसर दिया है उसके पीछे क्या सोचा कि वही स्टेप्स उसको फॉलो करके उसका प्रोडक्ट उसको मिल जाना चाहिए ये बहुत बड़ी चीज है और यही एक ऐसी ऐसा पार्ट है स्टूडेंट चाहे कितना भी अच्छा हो ऑर्गे केमिस्ट्री में वॉट एवर लेवल यू आर हैविंग इन दर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली यू विल गेट स्टक इन समिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन आई थिंक इट विल बी समिंग लाइक फ्रॉम हंड्रेड कन्वर्जन डेफिनेटली इफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट टेन कन्वर्जन विल बी मिजरेबल राइट तो ऐसा होने वाला है तो हेलो टू ऑल ऑफ यू तो मेरा सिर्फ यही कहना है पहले तो आपको क्या आना चाहिए अगर एरोमेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग तो पहले तो आपको यह आना चाहिए कि बेनजीन से

एक एक स्टेप करके ही आप आगे चलते हो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है तो वो हमने स्टार्ट किया था बेंजीन में हम पढ़े थे और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो देखो इज इज लाइक भगवत गीता फॉर अस बाइबल राइट वही बाइबल है वही कुरान है वही भगवत गीता है एनसीआरटी हमको आनी चाहिए तो हाइड्रोकार्बन में हमको बेंजीन के बारे में सिखाया गया ट्वेल्थ क्लास में जब हम लोग आए

I teach chemistry in Akash Baijus and you can watch me on Airtel Digital means आपके पास dish होनी चाहिए Airtel की अगर आप channel number की बात करते हो तो you can watch me on 467 the channel number 467 for JE and 478 for NEET. अब गलती से मान लो आपके पास Airtel TV नहीं है आपने वो जो छतरी है ना वो दूसरे किसी कंपनी की लगा रखी है नाम तो मैं नहीं लूंगा एयरटेल टीवी है तो इन चैनल्स पे आप लोग देख सकते हो यू विल गेट अगर आप एस्पिरेंट हो यू विल गेट केमिस्ट्री यू 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 विल 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 गेट 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 फिजिक्स फिजिक्स मैथमेटिक्स नीट एस्पिरेंट हो गेट केमिस्ट्री यू विल गेट जोलॉजी यू विल गेट बॉटनी राइट लेकिन अगर आपके पास छतरी नहीं है कोई बात नहीं एंड्रॉइड फोन सब लोगों के पास है आप लोग जियो टीवी प्ले स्टोर में से जाके डाउनलोड कर लो और उसके बाद एजुकेशन सेक्शन में जाओ और उसमें आपको हमारा चैनल जेई का और नीट का दोनों मिलेंगे आप उसमें देख सकते हो क्लासेस तो अब चलते हैं आगे बात करते हैं हम लोग कि कन्वर्जन्स को किस तरीके से क्रैक किया जाए तो सबसे पहला कन्वर्जन क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करना है हमको हम हेलो एरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहला आता है क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन तो मैं बनाऊंगा जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था अगर आपको आधी लड़ाई पहले से ही जीत लेनी है तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बना लो नाउ द फर्स्ट पॉइंट क्या ये क्लोरोबेंजीन है सही स्ट्रक्चर बनाया है है बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या वो बेंजीन है? बिल्कुल. क्या आप एक स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा कोई मेथड एनसीईआरटी में गिवन तो नहीं है हमको कि एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग क्या करें फिर बेंजीन और किसी तरीके से आपने कन्वर्ट किया है तो हम क्या कहें कनेक्टिंग लिंक ढूंढेंगे जब कनेक्टिंग लिंक हम लोग ढूंढेंगे तो एक स्टेप पीछे आएंगे और मुझे ध्यान आएंगे कुछ मेथड्स किस, किस से हम लोग बेंजीन बनाते थे मुझे ध्यान आया कि मैं, मैंने सोडियम बेंजोएट का डीकार्बोक्सिलेशन किया था मुझे ध्यान आया कि मैंने इथाइन को पास किया हॉट आयरन ट्यूब के अंदर तो बेंजीन बन गया लेकिन मैं इथाइन तो यहां से बना नहीं सकता मेरे को ध्यान आया कि मैंने एनहेक्न को हीट किया वी की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तो क्या बन गया बेंजीन लेकिन यहां पे हम एन हेक्सेन तो ले नहीं सकते अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एक रिएक्शन मेरे को ध्यान आती है और वो रिएक्शन है कि भाई मैंने ना देखा था कि फिनॉल के अंदर मैं अगर जिंक डस्ट डालता हूं और हीट कर देता हूं तो मेरे को बेंजीन मिल जाती है तो ये बीच का स्टेप सबसे पहले मैंने निकाला अब क्या मैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकता हूं बस यही मिल गया मुझे आंसर ये है हमारा कनेक्टिंग लिंक एंड दिस इज बाय डोज प्रोसेस 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर आप इसके अंदर एनएस डाल दो दिस इज कॉल्ड डोज प्रोसेस तो हमने क्या सीखा हम लोगों ने सीखा कि भाई क्लोरोबेंजीन से पहले तो बेंजीन बनाना सीखो उसके बाद बेंजीन से तो फिर कुछ भी बना लेंगे राइट right. तो जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए अगर हम हेलो की बात कर रहे हैं तो हमें एक से उस उस हेलोजन को हटाना है हमें इस क्लोरीन को हटाना है और इस क्लोरीन को हटा के दूसरे ग्रुप्स लगाने हैं इन्हीं को तो कन्वर्जन बोलते हैं यही तो बेसिक्स होते हैं लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है ऐसे किसी किताब में सिखाया नहीं जाता है आप लोगों को राइट right? और ये सब आपको कहां मिलेगा यहां मिलेगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आकाश एडू टीवी बायजूज आकाश एडू टीवी पर आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा आपको कंसेप्ट मिलेंगे राइट right? तो बात करते हैं हम बेंजीन की बात करी हम लोगों ने तो क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन हमको हो गया मिल गया अब बात करते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन तो ठीक है पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमें बनाना क्या है और हमारे पास है क्या हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और हमें बनाना है ब्रोमोबेंजीन ओके okay. क्या कोई तरीका है बेंजीन बनाने का तो पहले तो हमें सोचना पड़ेगा बेंजीन कैसे बनाए हम लोग बनाना थोड़ा, मुश्किल होगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा हमने एक और तरीका है हमारे पास हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग बेंजीन ले लें और बेंजीन के अंदर हम लोग ब्रोमीन डाल दें ब्रोमिनेशन कर बेंजीन का ये तो हम हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन करवाया एफ की प्रेजेंस में डार्क में लेकिन अब क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे मिलेगी हमारे कंसेप्ट अब थोड़ थोड़े थोड़े क्लियर होने लगे हमने अभी पीछे पर, यहां पर पढ़ा है क्लोरोबेंजीन टू अगर बेंजीन आपको बनाना है तो पहले फिनॉल बना लो उसके बाद जिंक डस्ट से उसको रिड्यूस कर दो तो जब ऐसा आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर डोज प्रोसेस कराना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं यहाँ प्रोसेस लिखता हूँ वो मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है और इस इस डोज प्रोसेस से मिलता है और इस को अगर मुझे बेंजीन बनाना है तो मुझे जिंक डस्ट के साथ हीट करना पड़ेगा नाउ दिस इज द रिएक्शन और ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए बुक्स में और बाकी सारी जगह पर आपको इंटरनेट पर दूसरी जगह पर आपको सिर्फ कन्वर्जन लिखी हुई मिल जाएगी आपको ये मिलेगा क्लोरोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन बनाओ और उसका आंसर भी मिलेगा कि देखो ये रिएक्शंस हैं और क्लोरोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन हमने बना दी लेकिन हमारे दिमाग में आया कि व्हाट वाज द अप्रोच तो अप्रोच मेरे दिमाग में बिल्कुल सिंपल थी सिंपल अप्रोच थी कि मुझे बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन बनाना है अब मेरे पास एक टास्क ये था कि मैं क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन कैसे जाऊं वो तो मैंने अभी पीछे ही सीखा था यहां पर बनाना तो मैंने वो

लिख भी रहे हो डिलीट भी कर रहे हो कोई बात नहीं देखो एक बात है सुमित भैया का शेर ओके okay, कुछ कौन है सुमित भैया का शेर ओके okay, कुछ नहीं पूछना चाहते नो प्रॉब्लम, ठीक है तो बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन क्या बना सकते हो आप क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन तो हमें हमारी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन सबसे पहले लिखो क्लोरोबेंजीन लिख दिया क्लोरो बेंजीन क्या बनाना है टोलवीन तो मैंने ये बनाया टोलवीन तो अब मैं क्या करूं मुझे किसी तरह ये ये क्लोरो को हटा के ना मिथाइल ग्रुप लगाना है अब मुझे याद आया कि मैंने वुड्स फिटिग रिएक्शन पढ़ा था तो अगर वुड्स रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन पढ़ा था इसका मतलब क्या होगा प्लस मैं सी कर दूंगा यहां पर किसकी प्रेजेंस में सोडियम और ड्राई ईथर और क्या बन जाएगा यहां पर वुड्स वुटिक रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन से टोलवीन बहुत आराम से बनाया जा सकता है तो हम क्या कर रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करते हैं और दूसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं अको अगर ये आता है तो फिर उसके बाद आप चेन रिएक्शन बहुत आसानी से कर सकते हो तो हमने क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाया क्लोरोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाया क्लोरोबेंजीन से हमने टोलवीन बनाया अब हम क्लोरोबेंजीन से बनाने वाले हैं फिनॉल ये तो हम पढ़ ही चुके हैं मतलब हम एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हुए जा रहे हैं सब कुछ तो अगर मैं बताता हूं यहां पर ये यह हम पढ़ चुके हैं क्लोरोबेंजीन और एन एच डोस प्रोसेस हम लोग यहां पर करेंगे और 623 ट्वेंटी थ्री कैलविन होगा यहां पर और थ्री हंड्रेड होगा यहां पर बन जाएगा फिनॉल राइट तो एक एक करके ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं राइट right? एक एक करके ग्रुप इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं और ये हमारे बेसिक्स को और 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 मजबूत करता हुआ चला जा रहा है मैं दोबारा आप लोगों को बोलता हूं जो पिछला वाला मेरा यूट्यूब सेशन था वो अभी भी यूट्यूब पर है आप उसको दोबारा से देखो और बेंजीन से और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा हो बेंजीन टू टोलुइन बेंजीन टू हेलो बेंजीन 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 टू 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 बेंजल्डिहाइड बेंजोफेनोन बेंजोइक एसिड नाइट्रोबेंजीन ये सब मिल जाएगा आपको अब हम क्या कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट किया हमने तो ये यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है और अब अगले अगले चैप्टर में क्या होने वाला है अब आपको खुद पता चल जाएगा कि हम फिनॉल से स्टार्ट करने वाले हैं वहां पर

कि बेंजीन के अंदर या तो बेंजीन बना लो और बेंजीन के अंदर गैटरमैन कॉच करा दो गैटरमैन कॉच रिएक्शन से हो जाएगा राइट तो हमें पहले इसको फिनॉल बनाना पड़ेगा मतलब मेरे दिमाग में पहले क्या आया मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आगे कैसे जाऊं मैंने यह सोचा कि वहां से पहले मैं पीछे कैसे आऊंगा राइट द मेन थिंग इज हाउ आई कैन प्रिपेयर बेनजेल्डी सो आई कैन प्रिपेयर बेनजेलडी बाई टू डिफरेंट नेम रिएक्शन अगर मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट द नेम रिएक्शन फ्रॉम बेनजीन टू बेनजीहाइड दिस इज गेटरमैन मैन कॉच रिएक्शन और फ्रॉम टोलुइन टोलुइन टू बेनजीहाइड बाई एटार्ड रिएक्शन सो आई कैन यूज बोथ तो दोनों में से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं टोलुइन से करते हैं और टोलोवीन से एटार्ड रिएक्शन और एटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं उसके अंदर हम और जब हम बात करेंगे एटार्ड रिएक्शन की तो हम सिंपल यहां पे जब लिखना चाहते हैं हम लोग तो हम लोग लिख देंगे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा CRO2 टू सी एल टू एंड द सेकेंड इज देन एसिडिक हाइडोलिस कर देंगे हम लोग इसकी राइट right? उसके बाद अब यहां से टोलुइन में कैसे जाए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो यहां से तो मैं टोलुइन में बहुत आराम से जा सकता हूं फर्स्ट मेरा यह होगा सी एस थ्री सी एल सोडियम के साथ और दिस इज इन ड्राई ईथर दिस इज वॉट तो ये जो नेम रिएक्शन है दोनों रे, नेम रिएक्शन मेरे काम आ गई दोनों की दोनों रे, नेम रिएक्शन मेरे काम आई पहली नेम रिएक्शन कौन सी है दिस इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन जिसने मुझे क्लोरोबेंजीन से टॉलुवीन बना के दिया और मैंने जब याद किया द चैप्टर एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जब की एल्डिहाइड की बारी आई थी इन दैट केस आई हैव प्रिपेयर्ड बेंडीहाइड फ्रॉम टोलुवीन बाय थ्री मेथड्स फर्स्ट वन इज एटार्ड रिएक्शन सेकेंड वन क्लोरिनेशन एंड देन हाइड्रोलिस इन बॉयलिंग वॉटर राइट

तो कीटोन होता है भाई तो एसिडोफिनोन हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कैसे बनेगा बेनजी रहा मेरा क्लोरोन और एसिटोफिनोन तो मैं यहां पर लिखूंगा तो एसिटोफिनोन होता क्या है एसिटोफिनोन अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा देते हैं तो बड़े आराम से बन जाएगा बाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर इट वेरी इजिली सो बेन सी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट क्लोरो बेनजीन आई एम जस्ट गोइंग वन स्टेप बैक मुझे वो कैसे मिलेगा तो वो मुझे ऐसे मिलेगा कि अगर बेनजीन से मैंने रिएक्शन करवाया CH3

फिनोल का फिर मैं रिडक्शन कर दूंगा जिंक डस्ट के साथ हीट करके नाउ दिस इज द वे बाय वी कैन लर्न दीज इज़ीली, राइट सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन आयशा श्रीवास्तव बोलती है कि सर क्लोरो टू फिनॉल अमोनिया और सी यू टू ओ एनिलीन बन जाएगा ओके okay. आप इतना टफ क्यों बनाना चाहते हो बेटा उसको हाँ, आपका मेथड ठीक है पहले आप क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन बनाओगे फिर उसको डायजोनिन सॉल्ट बनाओगे उसके बाद फिर आप उसमें पानी डाल दोगे ओके लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन टू तो डोज प्रोसेस से तो एक स्टेप में हो जाएगा बेटा आप इतना लंबा क्यों करना चाहते हो उसको आयशा श्रीवास्तव मतलब मेरे जो मेथड्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं मतलब दो स्टेप होंगे या मुश्किल से एक स्टेप भी दो स्टेप या तीन स्टेप होंगे इसके अंदर स आयशा डोस प्रोसेस ओके ना नेक्स्ट वन इज बेंजीन टू बेंजोइक एसिड ना वॉट वट आई हैव टू डू फिर से बोल रहा हूं मैं आप लोगों को हमें पहले मालूम होना चाहिए करना क्या है क्या करना है ये करना है हमें क्लोरीन को हटाना है कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है क्या करें ओके okay. कार्बोक्सिलोइ बे, एसिड बेन्हा का, कहां का, पड़ा था बेंजोईक एसिड कहीं कोई रिएक्शन बेंजोइक एसिड बनाने वाला हाँ चंदन पांडे सर आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू ओके यू कैन लर्न फ्रॉम मी एट बाइजूज आकाश एडूटीवी राइट और जियो ऐप पर अवेलेबल है सब लोग तो नाउ हम आते हैं इसकी तरफ ये मुझे मालूम है कि अगर मैं टोलवीन ले लू यहां पर और इसके अंदर फर्स्ट के मेनो फोर डालता हूं और उसके ऑक्सीडेशन देन हाइड्रोलाइसिस करता हूं सेकेंड स्टेप में तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहां पर देन आई विल गेट दिस बेंजोइक एसिड तो मैंने ये नहीं सोचा कि क्लोरोबेंजीन से आगे कैसे बढ़ू मैंने ये सोचा बेंजोइक एसिड मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था बनाया था तो कैसे बनाया था सो एल्काइल बेंजीन एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करूंगा तो हाइड्रोलिसिस के बाद बन जाएगा अब प्रॉब्लम आती है एल्काइल बेंजीन कैसे बनाओगे वुड्स फिटिक रिएक्शन तो कैसे सी एस थ्री सीएल सीएस थ्री सीएल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर

तो नाइट्रो बेंजीन कैसे कैसे बना सकते हैं हम कोई तरीका आपके पास नाइट्रो बेंजीन बनाने का आसान तरीका सबसे आसान तरीका नाइट्रो बेंजीन बनाने का इलेवेंथ क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्या डालता हूं कॉन्सेंट्रेटेड एच एनओ थ्री एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर तो फिर नाइट्रोबेनजीन मेरे को बहुत आराम से मिल जाएगी राइट right? अच्छा अब क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन वो हमको बनाना आता ही है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले डोस प्रोसेस करेंगे NaOH डालेंगे इसके अंदर 623 केल्विन होगा वो और 300 एटमॉस्फेयर होगा और हमको क्या मिल जाएगा वी विल गेट फिनॉल दिस फिनॉल वी विल गेट एंड आफ्टर हीटिंग विद जिंक डस्ट वी विल गेट बेंजीन सो इट्स सो सिंपल मींस आपने आखिर बनाया कहा था तो बस आपको एक कनेक्टिंग लिंक मिलेगा और वो जो लिंक है हमारा इस रिएक्शन इस के अंदर वो लिंक बेनजीन है वो लिंक बेनजीन है मैंने सिर्फ ये सोचा जब मैं इसको देखो बे, क्लोरोबेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ आपको हर किताब में मिल जाएगा मतलब ऑलमोस्ट एवरी एट्टी परसेंट किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कन्वर्ट फर्स्ट कन्वर्जन सेकेंड कन्वर्जन हो सकता है दो सौ कन्वर्जन हो पांच सौ कन्वर्जन हो ऐसी बुक्स भी आती है, के किताब के अंदर कन्वर्जन ही कन्वर्जन दिए होते हैं स्टूडेंट तो पूछते भी हैं सर क्या कन्वर्जन की बुक भी है हा है उसके अंदर कन्वर्जन भी गिवन होगा और उसका आंसर भी गिवन होगा अप्रोच नहीं गिवन होगी अप्रोच आप मैंने आपको बता दी मुझे नाइट्रो बेंजीन बनाना था मैंने सोचा कहां कहां से बना सकते हैं बेंजीन 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 से से मेरे को को सबसे आसान लगा तो मैंने बना दिया उसके बाद अब मैं क्लोरो बेंजीन से कैसे बनाऊं वो मुझे आता ही था शुरू में सबसे पहला रिएक्शन मैंने यही पढ़ा था और एक बात और मैं किसी भी रिएक्शन के अंदर एनसीआरटी से बाहर नहीं गया हूं राइट ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई रिएक्शन निकाल ली हो सब एनसीआरटी वाली रिएक्शन है ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन टू एनलीन सो क्लोरोबेंजीन टू एनलिन तो हमें क्या करना है हेलो से बनाना है हमको यहां पे एनलिन बनाना है एनएच टू अब नीट में एक क्वेश्चन आया था दो तीन साल पहले उसमें बेनजाइन मैकेनिज्म सिखाई थी अब ये दो तीन तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि देर इज अ मैथड बाई विच यू कैन प्रिपेयर इट लाइक सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया और यू कैन से दैट एन एन एच टू इन लिक्विड अमोनिया और बेजाइन मैकेनिज्म से यह हो जाएगा बट दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन इन एनसीआर कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है हम दूसरी रिएक्शन फॉलो कर लेंगे अभी हमने थोड़ी देर पहले नाइट्रोबेंजीन बनाया कैसे बनाया नाइट्रोबेंजीन, तो हमारे पास ये तो मेरे को पक्का मालूम है कि नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं इसके अंदर एस एन एच सी एल डालता हूं तो यह मेरे को एनोलिन पक्का दे देने वाला है अब मुझे मेरा जो वो है जो मेरा टास्क है वो टास्क है क्लोरोबेंजीन को में कन्वर्ट करना तो ये दिस इज आउट ऑफ एनसीआर बट नाउ दिस इज इन एनसीआर और क्या आपको मालूम है कि ये जो टेन है इस टेन की जगह हम जिंक भी यूज कर सकते हैं हम आयरन भी यूज कर सकते हैं राइट right? और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको भी. इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा फिलहाल अभी जरा कन्वर्जन कैरी आउट कर ले नाइट्रोबेनजीन कैसे बनाओगे नाइट्रोबेजीन तो बेंजीन से बनेगी और बेंजीन से कैसे बनेगी ये That is concentrated HNO3 with concentrated H2SO4 nitrating mixture, and this one is by dose process NaOH 623 Kelvin 300 atmosphere, and we will get phenol and after reduction of phenol with zinc dust. आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने रिएक्शंस अब तक करे हैं वो सारे रिएक्शंस में ये बेंजीन और फिनोल और जिंक डस्ट ये ये कॉमन रहा है सबके अंदर राइट right? तो बस आप एक चीज ये सीख जाओ कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करें तो हम आराम से ये सारे काम कर सकते हैं राइट right? तो ये पावला आयशा श्रीवास्तव ने बोला कि SNACL तो आयशा मैं आपके लिए ये भी बता रहा हूं आप लोगों को कि आप टेन की जगह जिंक और आयरन भी ले सकते हो राइट और एक बात और बताता हूं आपको कि कहीं आप पढ़ते हो आर टू अगर आप एल आई ए एल एच फोर डालते हो इसके अंदर और वहां पर लिखा होता है आर एन टू तो ये चीज अच्छा क्या यह सही है या गलत है चलो सारी बातें छोड़ते हैं यहां पर अब हम इस पॉइंट पे आ गए हमने बहुत सारे ग्रुप्स कन्वर्ट कर लिए मतलब क्लोरोबेंजीन टू द द अदर अदर और एरोमेटिक कंपाउंड्स ये आपको आ गए। अब से एक बात समझ में आ गई आपको कि हमें लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था बेंजीन टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड द फंक्शनल ग्रुप्स नाउ आज हमने क्या पढ़ा क्लोरोबेंजीन टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ये सीखा चलो आज एक नई चीज सीखते हैं क्या यह सही है यह सबसे पूछ रहा हूं मैं क्या यह सही है सर इफ वी यूज एनी रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन रिड्यूस नाइट्रोबेंसी या पूछ रहे हो कि बता रहे हो जगन्नाथ सही है सर यह आधा सही है आधा गलत है बेटा ध्यान रखना अगर ये एलिफेटिक होता सी एस थ्री सी सी CH2NO2 थ्री सी टू एन ओ टू होता तो एल आई एल एच फोर में डालता और सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू बना देता नाउ दिस रिएक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बट आपने देखा होगा आपने ये देखा होगा जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं उसके रिडक्शन की बात करते हैं तो एल आई एल एच फोर आ जाता है बीच में जब हम कीटोन की बात करते हैं तो फिर से लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड आ जाता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तब भी लिथियम एलमोनियम हाइड्राइड आ जाता है यह नाइट्रोबेनजीन में एस एन एस सी एल कहां से आ गया बीच में ये ये नया रिएजेंट क्या इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ गई इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अगर आप एरोमेटिक लेते हो इसको बेटा अगर आपने एरोमेटिक ले लिया और यहां पे आपने एल आई एल एच फोर यूज किया तो आपको एनलिन नहीं मिलेगी और अगर एनलिन नहीं मिलेगी तो फिर उसकी जगह क्या मिलेगा तो उसमें आपको मिलेगी एजो तो ध्यान रखना इस बात का हो सकता है वो एग्जाम में ये क्वेश्चन देके आपको फंसा दे एंड आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट ऑफ आकाश टीवी टू गेट स्टक इन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड टू गेट नेगेटिव मार्क्स राइट इट्स अ क्राइम टू गेट द नेगेटिव मार्क्स इन दाम सो ही रिएक्शन आर एन ओ टू इन दर्जेंस ऑफ एल आई एल एच फोर गिवस आर एन एच टू दैट इज आधा सही है आधा गलत है क्यों एलिफेटिक के लिए ठीक है एरोमेटिक के लिए नहीं होगा ऐसी बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी कन्वर्जन और भी बहुत सारे कंसेप्ट में लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में सी यू देन टेक केयर गुड बाई